देखो तुम कल रात से भूखे हो, नाउ कम ऑन जस्ट हैव सम ब्रेकफास्ट। चलो मॉम आई एम फाइन, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नरेन यू नो सन, नो दिस इज रियली नॉट डन। अभी अभी तुम ठीक हुए हो, अब तुम खाना भी नहीं खाओगे ठीक से तो फिर बीमार हो जाओगे ना। मॉम आई एम वेरी टायर्ड, मुझे बाहर जाने का मन नहीं है। ठीक है तुम्हें बाहर नहीं जाना, मत जाओ। मैंने पहले ही राम सिंह को यहाँ पर ब्रेकफास्ट लाने के लिए बोल दिया। और प्लीज अब परी के बारे में सोचना थोड़ी देर के लिए बंद करो। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, जस्ट नॉट पॉसिबल। शायद मुझसे ही गलती हो गई। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि मुझे तुम्हारी शादी नहीं करवानी चाहिए थी अंकिता से, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। बट रियली नरेन आई हैड नो ऑप्शन। डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम्हें ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, किसी तरह आहाना तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। और हमें क्या पता था, हमारे जानने में तो आहाना उस एक्सीडेंट में मर चुकी थी ना। और फिर हमने आप गिल्टी मत हो, आई कैन अंडरस्टैंड, आपने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया। अब ये सब बातें हम और नहीं करेंगे, ओके? अब तुम कुछ खाओगे प्लीज, और मैं तुम्हें अपने मॉम मॉम आई विल जस्ट हैव सम जूस। आना फोन कर रही है। हेलो बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। अब तुम ही शेखर को कन्विंस कर सकते हो। क्यों, क्या हुआ आंटी? अरे शेखर कोर्ट मैरिज कर रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है। अब तुम ही उसे समझाओ, प्लीज स्टॉप हिम। वो तो अभी कोर्ट पहुंच गया होगा। मैरिज करने जा रहा है? किसके साथ? और कौन होगी? परी, परी देशमुख। तुम उससे बात करोगे ना? जी जी मैं करता हूँ। परी के साथ शादी कर? How can he do that? वो तो अच्छे से जानता है ना? What? नरेन? आज मेरी शादी शेखर से हो जाएगी, क्या मैं नरेन को भुला पाऊंगी? पता नहीं, पर अगर मैं शेखर से शादी नहीं करती तो अंकिता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नरेन अंकिता का पति है, मैं अंकिता के साथ ऐसे नहीं होने दे सकती। कोल पहुंच गया, लेट्स गो। तुझे कौन फोन कर रहा है इतनी बार? नरेन। Oh my God, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम दोनों? कोई फर्क नहीं पड़ता, अब नरेन भी ये शादी नहीं रोक सकता। लीजिए, पहले बैठने साइन करें। अब आप दोनों साइन करें। साइन करो परी।
एक मिनट। नरेन, नरेन, यू स्वाइन। अपने आप को मेरा दोस्त बोलता है एंड यू स्टैब मी इन द बैक। अच्छी तरह जानता है कि आना मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है। उसके बाद भी उससे शादी करना, हाउ हाउ कैन यू शेखर। जब वो मेरी जिंदगी में नहीं थी मैं पागल तक हो गया। इतने लोगों ने मेरे पागलपन का फायदा उठाया लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तू भी मेरे पागलपन का फायदा उठाएगा। ये है तेरी दोस्ती। एक मिनट, आप सब दो मिनट के बाहर जाइए। क्यों, शर्म आ रही इनके सामने बात करते हुए? नरेन एक मिनट, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, रुक जा। आप सब 10 मिनट के लिए बाहर जाइए, इट्स अ फैमिली मैटर। बड़ी तुम यहीं पर रुको। मेरी दोस्ती पे इतने सवाल उठाने वाले, क्या तूने कभी अपनी तरफ देखा कि तूने क्या किया? क्या किया मैंने? तूने अंकिता से उसका हक छीना है, उसे उसके प्यार से दूर रखा है तूने। अरे तू मुझे धोखेबाज कह रहा है? तू अपने आप को देख, तू सबसे बड़ा धोखेबाज है। अरे ये जानते हुए भी कि वो लड़की तुझसे इतना प्यार करती है फिर भी बहुत प्यार। Stop it! Stop it! जिसको देखो अंकिता के प्यार की दुहाई देने लगता है। मेरे प्यार का क्या, मेरी खुशी का क्या? अरे इंसान की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उससे प्यार करने वाला उसके साथ हो, और तेरे लिए वो लड़की अंकिता है और कोई नहीं। अरे उस लड़की ने अपनी जान तक दे दी थी तेरे लिए, और तू है कि जब मैं उससे प्यार करता था तब मैं पागल था। ना मुझे उस वक्त का कुछ याद है, ना मुझे याद करना है। सिर्फ आहाना से प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा, और शादी भी उससे मैं ही करूंगा। तुम जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। नरेन, परी से मैं जबरदस्ती शादी नहीं कर रहा, ये परी की मर्जी से हो रही है। ये सच नहीं है। यही सच है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। कहीं है बच्चा? रौनक आई? मतलब तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि ये शशांक का ही बच्चा है? मानसी, ये भगवत गीता है, इसे हर रोज पढ़ना। इसे पढ़ने से बच्चे पर अच्छा असर होगा। और हाँ, मुझे तुम्हारे कमरे में शशांक की फोटो भी लगानी है। उसे हर रोज देखने से बच्चा बिल्कुल उसकी जैसा दिखेगा। लेकिन अगर बच्चे का बाप कोई और होगा तो शशांक की फोटो को देखने का कोई फायदा नहीं है। आई, आप ये क्या बोल रही हैं? ये मेरा बच्चा है। और हाँ, वो मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन इसका बाप कौन है ये तो कोई नहीं जानता है ना। एक बात कान खोलकर सुन लो मानसी, अगर ये बच्चा रौनक का हुआ तो मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। अरे मैं तो छोड़ो, शशांक इसे कभी नहीं अपनाएगा। अरे कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा हो। मैं जानती हूँ कि शशांक तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये सब हो जाने के बाद तो ये प्यार व्यार कुछ काम नहीं आता है, कुछ नजर नहीं आता है। और फिर तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों रौनक के पास चले जाना, समझी? तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना दिन बंद करो शेखर, जो कह रहा है सही कह रहा है। ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, इनफैक्ट इसको भी मैंने ही कन्विंस किया है शादी के लिए। Are you crazy? तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो या क्या करने जा रही हो? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, और मुझे तुम्हारा एडवाइस नहीं चाहिए। तुम बस जाओ यहाँ से, just go away. Stop it! Don't push me like this. मैं कौन हूँ? सर्वेंट हूँ तुम्हारा, ड्राइवर हूँ, वॉचमैन हूँ। आना प्लीज, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, सच्चे दिल से। Don't just cheat me like this. चीट? मैंने तुम्हें चीट किया है? Of course. चीट नहीं तो और क्या? तुम प्यार मुझसे करती हो, राइट? और शादी इससे कर रही हो? आना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने अपना झूठा नाम क्यों बताया। उस दिन तुम्हें बचाने क्यों नहीं आ पाया? फिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे? कोई सजा नहीं दे रही हूँ मैं, कोई सजा नहीं दे रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी शादी हो चुकी है। That's a contract marriage, God damn it! शादी, शादी होती है नरेन। मैं शादी में नहीं मानता, नहीं मानता मैं शादी में। एक पागल लड़के की शादी करा दी जाती है, वो भी उस लड़की से जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी किससे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है। आना देखो, उस नरेन की जिससे शादी हुई थी वो नरेन मर चुका है,
आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा नरेन है, आहाना का नरेन। प्लीज डोंट लेट दिस गो, प्लीज आई बेग ऑफ यू, प्लीज आना। इस शेखर से पूछ लो, ऐसी शादी में तो कानून भी नहीं मानता। कानून माने या ना माने, मैं मानती हूँ तुम्हारे लिए शादी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन अंकिता वो तो दिल से तुम्हें अपना पति मानती है, प्यार करती हो तुमसे। आना कब से जानती हो मुझे और कितने दिन से जानती हो उस अंकिता को, इतनी तरहदारी कर रही है उसकी। सिर्फ कुछ दिनों से, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो जानना था मैं समझ चुकी हूँ। नरेन, लड़की तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती है, शायद शायद मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है तुम्हें। क्या हुआ ऐसे शेखर? ना ही मेरी बात सुन पा रही है, ना समझ रही है, ना इसके दिल को छू रही है। ऐसी नहीं थी, क्या क्या किया है तुमने? हाँ, अपने प्रोफेशन का फायदा उठाया, ब्रेन वॉश कर दिया मेरी आना को। क्या क्या बोला ऐसे बताओ, तुम्हारे वजह से चाहिए। बस बहुत हो गया, अब तुम शेखर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे। हमारे बीच में जो हुआ उसके लिए तुम इसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? दोस्त कहते हो सपना, इतना पहचानते हो अपने दोस्त को? अगर किसी से कोई कमिटमेंट या वादा कर देना तो जिंदगी भर उसे निभाएगा, और तुम तो कमिटमेंट करके भूल गए। अंकिता, उस लड़की ने तुमसे शादी की जब तुम पागल थे, उसने हर वो कोशिश की जिससे तुम ठीक हो जाओ, यहां तक कि उसने अपनी जान भी लगा दी सिर्फ तुम्हें ठीक करने के लिए। ऐसी लड़की को छोड़ना चाहते हो? ऐसी लड़की को छोड़कर मेरे पास आना चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम चाहते होगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। मैं उसका घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बसाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। आज ये शादी तुम नहीं रोक सकते, मैं और शेखर शादी करेंगे, चाहे तुम जो भी कर लो। स्टॉप इट, क्या हो रहा है ये सब? नरेन सर, आप यहां शादी करने आए ना? अंकिता, तुम गलत समझ रहे हो। एक सेकंड परी, मैं अपने पति से बात करी तो तुम बीच में ना बोलो तो बहुत अच्छा होगा। बोलिए नरेन सर, आप यहां शादी करने आए ना? जाओ यहां से, तुम्हारा यहां पर अभी कोई काम नहीं, मैं बाद में बात करूंगा। इसको एक सेकंड, आपसे जितना पूछ रहे उतना जवाब दीजिए, आप यहां शादी करने आए या नहीं आए? आप यहां शादी करने आए हैं या नहीं आए? आप परी से शादी करना चाहते हैं या नहीं? जाइए, कर लीजिए उससे शादी, मैं विटनेस पे साइन करूंगी। ए लाला, अरे हम तो कब वास्ते चाय बनाया, कहाँ जा रहा है? ये भगत और कहाँ जाएंगे, काम पर जा रहे हैं, घर आएंगे ओके बाद। पक्का? कौनो तीसरी जगह तो नहीं है? ऐसे गोलमोल बातें काहे ठोक रहे हैं, जॉन पूछना पूछे सीधे से। अरे सीधी सी बात है बिटुआ, दोनों अपने बच्चों से मिलने तो नहीं जा रहा, जाके देखाऊं कहाँ है कैसे है वगैरह वगैरह। आपका ये सब पूछ रहे हैं? आपका हमारे बच्चों से कोनो लेने देना नहीं है, समझे ना? अरे कैसी बात कर रहे लाला, अरे तोरे बच्चे हमारे पोता पोती है। सीधी बोली बात तोरे कान में घुसती नहीं का? हमारे बच्चों का रिश्ता सिर्फ हमरे से है, ऊ के बारे में पूछताछ करने की या जानने की कोशिश भी मत करना, अच्छा रहेगा तोरे लिए। और एक बात और सुन लीजिए, आप यहाँ हमारी मर्जी से नहीं मजबूरी से रुके हैं, तो अपनी औकात में रहिए। अगर अपनी औकात भूल गए ना, या हमारे बच्चों को छूने की कोशिश तक करी, तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे मुंह बोले बाप हैं। काट कर फेंक देंगे सड़क पर। अरे बिटुआ, कहां की बात कहां ले जा रहा है? अरे अगर तो अपने बच्चों से कोनो मतलब नहीं है तो हमरी बड़ा से हाँ। ऐसे एक बात है लाला, सालों हो गए लेकिन विष्णु लाला अभी भी जिंदा है। अरे आज भी ओ में विष्णु लाला की झलक है। कोई हमरा वही विष्णु लाला जो अपनी मर्जी से किसी भी चीज को मोड़ सकता था, और जो चीज नहीं मोड़ती थी ना वो तोड़ देता था। सही समझे आप,
कि हम अपने बच्चों की खातिर फिर से विष्णु लाला तक बन सकते हैं। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? परी, I'm sorry. Actually, मैंने आप सबसे कुछ झूठ बोला। मैंने नरेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि मुझे नरेन से को ठीक करना होगा और इस तरह ठीक करना होगा कि फिर से वो कभी पागल ना हो, और इसीलिए मैंने ये शादी की। मैं तुम्हें अंकिता, तुम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो? तुमने नरेन के लिए जो कुछ किया है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के खातिर नहीं, प्यार के खातिर किया है। एक सेकंड परी, मैं इस आदमी से प्यार नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं चाहती हूँ कि बस ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मेरे जितने भी पैसे बचे मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाए, बस और कुछ नहीं। गलत, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने देखा है तुम्हें नरेन के प्यार के लिए तरसते हुए, आज तुम ये कह रही हो कि तुम्हें नरेन से प्यार नहीं। मैंने नरेन से कभी प्यार नहीं किया। वो जो कुछ भी तुमने देखा वो सिर्फ एक मजबूरी थी और कुछ नहीं, या तो तुम कह सकते हो मैंने एक ड्यूटी निभाई है। बस मैं इतना ही चाहती थी कि नरेन सर ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे मेरा पैसा मिले, और ये ठीक हो रहे थे, और अगर फिर से पागल हो जाते तो मेरे पैसे सारे चले जाते। और रुशाली मैम ने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो मैं ये कैसे कर सकती थी? मैं नहीं चाहती थी कि नरेन सर को फिर से कुछ हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मेरे सारे पैसे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतने सारे पैसे खोना। तो मैंने क्या गलत किया? राइट अंकिता, मैं I don't believe this. तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद देखा है तुम नरेन से कितना प्यार करती हो। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? प्लीज, वो प्यार बिल्कुल भी नहीं था, वो सिर्फ एक सिंपैथी थी, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो प्यार में पागल है और कुछ नहीं। परी, मैं नरेन से क्या, मैं किसी और आदमी से प्यार नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और वो मैं कर चुकी हूं शशांक से। राइट, शशांक जो मेरी बहन का हस्बैंड है, वही। एक्चुअली मेरा उससे अफेयर चल रहा था और हम दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। हमारी शादी फिक्स हो चुकी थी लेकिन फिर मुझे इनके घर से प्रपोजल आया और तभी मैंने सोचा कि ये मेरे पास एक अच्छा मौका होगा जहाँ मैं देख सकूंगी कि पैसे वाले लोग कैसे होते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जीते हैं। और बस मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अगर शशांक से शादी करती तो चौल में ही पैदा हुई थी तो चौल में ही मर जाती, क्या फर्क हो जाता? मैं ऐशो आराम से जीना चाहती थी, अब तक मैंने बहुत तकलीफें देखी थी, तो बस। और वैसे भी परी, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ प्यार व्यार नहीं होता, या तो हम अपनी जिंदगी में समझौता कर सकते हैं या तो किसी के साथ डील कर सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ के साथ सिर्फ एक डील की है, वो भी इनसे शादी करके, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ परी, मैं तो नॉर्मल हूँ ना, तो मैं एक पागल इंसान से शादी क्यों करती? राइट अंकिता, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें नरेन का ख्याल रखते हुए देखा है, मुझे लगता था कि तुम शायद उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। एक सेकंड परी, अगर तुमने ये देखा है कि मैंने नरेन का ख्याल रखा है तो इसलिए क्योंकि तब मैं दुनिया के सामने थी। अब दुनिया के सामने मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैंने इस इंसान से इसलिए शादी की क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था। नहीं ना परी, तो मुझे दिखावा तो करना ही पड़ेगा। राइट, और वही मैंने किया। परी, जरूरत बहुत बड़ी चीज होती है और उसी जरूरत के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम बहुत बड़े घर से हो ना, इसलिए शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि जब महीने की आखिरी तारीख आती है और जब घर का राशन खत्म हो जाता है तो उस एक वक्त के खाने के लिए लोग कितना तरस जाते हैं। और उसी एक वक्त के खाने के लिए मैं एक बार ही हजार बार इस तरह प्यार का नाटक कर सकती हूँ जो मैंने इस आदमी के साथ किया। अंकिता, तुम प्यार को पैसे से कैसे तोल सकती हो? अंकिता, प्यार हमारी इच्छाओं, हमारी जरूरतों से ऊंचा होता है। आ रही है तुम्हारी सोच पे। मैं ऐसी ही हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। परी, मेरे घर में चार चार भाई बहन थे
मुझे उनको देखना था, मुझे अपने आप को देखना था, उनकी जरूरतों को पूरा करना था और इसीलिए मैंने ये किया। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई दुख होगा। मेरा एक बाप है जो शराब पीकर कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, उसे तो कोई उम्मीद है नहीं। इसीलिए जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। और वैसे भी परी, ये प्यार व्यार करना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं जो मैं नहीं पाल सकती। और सच कहूं परी, मेरी जिंदगी में इन सारी चीजों के लिए टाइम भी नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, ट्रेन पकड़ती हूँ, ट्रेन से जॉब पे जाती हूँ, जॉब से घर आती हूँ, और ऐसी भागदौड़ में मेरा पूरा महीना निकल जाता है। और आखिरी में जब सैलरी आती है ना, तब जाके खुशी होती है। पिछले 7 महीनों से परी मैं सिर्फ एक ही चीज में लगी हुई हूँ, नरेंद्र सर को ठीक करना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उनको ठीक करूं, और जब वो ठीक हो गए हैं, मुझे पैसे मिलने वाले, तो तुम अब बीच में आकर कौन होती हो मुझे रोकने वाली? कोई नहीं परी, मैंने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अगर शेखर से शादी करनी है तो तुम करो ना, तुम मेरे बीच में क्यों आ रही हो? और अब वो वक्त आ गया है कि मुझे वो पैसे मिलने वाले, मैं अपने भाई बहनों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। आई कांट बिलीव, मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करने जा रही हूँ, और तुमने ये सब पैसे के लिए? अंकिता, पैसे की इतनी जरूरत थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हें पैसे दे देती। प्यार करती हूँ नरेंद्र से, आई लव हिम। और झूठ।